ये फूल है सरसों का, इसको हम ऑटो लॉक कर रहे हैं। इससे ऑटो लॉक करने में फायदा ये होगा कि ये जो फ्लावर जिसको हमने ऑटो लॉक किया है, ये हमारे कैमरे के दायरे में रहेगा। फिर कितनी भी हवाएं चलो और कुछ भी हो, ये इतना अच्छा रहेगा ऑटो फोकस में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारी जो वीडियो है एंगल के अंदर, एक फिक्स एंगल के अंदर हमारी वीडियो अच्छे से दिखाई देगी। ये देखिए, और ये कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब जैसे ही हम दूसरी साइड जाएंगे तो ये ऑटो फोकस उसी की साइड रहेगा। ये देखिए, फोकस हमारा एक ही साइड है कैमरे का, और हम साइड में जा रहे हैं तो हमारा जो ऑटो फोकस है वो इसी फूल के ऊपर है। साइड के सीन लेने पर ये काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये फोटोग्राफी करना पसंद करते हो आप तो सबसे बेस्ट होता है आप ऑटो लॉक कीजिए आपके सब्जेक्ट को, इससे आपकी फोटोग्राफी बेटर मतलब बेस्ट निकलेगी। और जैसे कि आप एक कोई भी छोटा सा फूल है, बिल्कुल माइक्रो मतलब छोटे फूल, उसको आप अगर शूट करना चाहते हो तो उसके अंदर आप उसके जस्ट क्लियरली पास में जाके उसको ऑटो लॉक कीजिए। मैंने इसको ऑटो लॉक कर दिया है। अब हम धीरे 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 अपने मोबाइल कैमरा उसको थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे। झुकाने के बाद में इसको थोड़ा राउंड लेंगे। राउंड लेने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो ये फ्लावर है ये चारों तरफ से कैसा दिख रहा है, और ये बेस्ट फोटोग्राफी बनके निकल के बाहर आएगी। और गाइज देखिए, ये एक गोभी का फूल है। अब ये देखो, हम इसको ऑटो लॉक करते हैं। ये ऑटो लॉक करने में इसकी क्वालिटी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ गई। ये देखिए गाइज, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये ऑटो फोकस करने से, ऑटो लॉक करने से ये फायदा होता है कि हमारी जो सब्जेक्ट होता है बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देता है। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये गाइज वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।